पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जैनब अब्बास को भारत से निकाल दिया गया है। भारत से उनका निकालना इस तरीके से ये सही है या गलत, इस पर बहुत ही विवाद हो रहा है और ट्विटर ही नहीं बल्कि तमाम सोशल मीडिया पे ये बहुत ही धड़ल्ले से ट्रेंड कर रही है कि ये जैनब अब्बास को भारत से क्यों निकाला गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जैनब अब्बास है कौन। जैनब अब्बास एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है जो कि PSL में कमेंट्री करते हुए देखी जाती है और ये तमाम स्पोर्ट्स चैनल पे भी काम कर चुकी हैं। जैनब अब्बास की पाकिस्तान में काफ़ी फैन फॉलोइंग है, वो वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है लेकिन वो हमेशा कंट्रोवर्शियल भी रही हैं। और एक ज़माने में बाबर ने उनको ट्वीट करके ये भी कह दिया है कि मैडम अपनी हद में रहिए, क्योंकि हमेशा से वो आपत्तिजनक ऐसे ट्वीट करती ही रहती हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर बात तब आगे बढ़ गई जब जैनब ने इंडिया के खिलाफ लगातार जहर घोला और उसके अलावा ये हमेशा हिंदू धर्म को ही टारगेट करती रही। हिंदू धर्म को कभी ये टारगेट करती थी, कभी हिंदू धर्म के खिलाफ ये जहर घोलती थी। मतलब ऐसे अनगिनत ट्वीट्स जो हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल है। जैनब तमाम हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाती हैं जो कि कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इन्होंने ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं और ट्वीट किए हैं कि हम बता भी नहीं सकते आपको कि कितने इन्होंने अभद्र कमेंट किए हैं, जैसे कि काली माता को लेके हो गया और गाय के मांस को लेके हो गया। मतलब कोई ऐसा भी कर सकता है क्या? फिलहाल वो दुबई चली गई है और वो अब वर्ल्ड कप में नहीं दिखेंगी क्योंकि वो अब भारत से ही निकाल दी गई है। सबसे पहले ये जैनब को भारत से निकालने की खबर पाकिस्तान के मीडिया समा TV की तरफ से आई कि जैनब को भारत से बाहर कर दिया गया है। जैनब को भारत से निकालना सही है या गलत, इस पर काफ़ी विवाद हो रहा है। कुछ पाकिस्तानी लोगों का मानना यह है कि उनको भारत से ऐसे निकालना नहीं चाहिए था, ये काफ़ी इंसल्ट हुआ। लेकिन आप खुद बताइए कि किसी देश में आप जा रहे हो और किसी देश का इतना इंसल्ट कर रहे हो, खासतौर के उसके धर्म का, उसके देवी देवताओं का, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्या वहाँ के, या भारत के लिए नहीं, किसी भी देश में आप जा रहे हो तो आप उस देश का मजाक उड़ा रहे हो, वहाँ के धर्म के बारे में अभद्र कमेंट्री कर रहे हो, तो ये कहीं भी उचित नहीं है। मेरे मानने में तो ये बहुत ही सही हुआ है, उनको भारत से निकाल दिया गया है। क्या भारत से हमेशा के लिए उनको बैन कर देना चाहिए? आपका इस पर क्या कहना है? अपना जवाब जरूर कमेंट्स में दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।